बहुत हिल रही है नाव। हमने किया था सेटअप लगा के रखा है, जिधर कुछ नहीं होता अगर हम लोग कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब करेगा उसको एक एक मिलेगा। आगे बहुत अच्छा लगेगा। हुसैनी बाबा का हुडी सुना गाइस, आप भी आओ गाइस, एक दिन गए गाइस, शाम तक आओ गाइस। वेलकम बैक टू सैमी के व्लॉग। सैमी के व्लॉग में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो गाइज आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ उर्स में और वो उर्स है मढ़ में। मढ़ की दरगाह का आज है उर्स। दरगाह का नाम है हजरत सैयद निजामुद्दीन हुसैनी शाह बगदादी। तो मेरे वीडियो में गाइज आप एंड तक जुड़े रहना बिकॉज ये अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। बिकॉज ये दरगाह पानी के बीच में है और ये दरगाह का जाने का रास्ता सिर्फ नाव है। तो आप लोगों ने हाजी अली दरगाह के बारे में तो सुना होगा, वो दरगाह में जाने के लिए एक ब्रिज है, बट ये वाले दरगाह में अगर आपको जाना है तो आपको सिर्फ नाव से सफर करना होगा। तो मेरे वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताओ कि मैं वर्सोवा से दरगाह पर कैसे गया, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम प्लान कर सकते हो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून टू सैमी के ब्लॉग। अभी मैं वर्सोवा जेट्टी पे आया हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ी नाव का ऑप्शन है। ये लॉन्च है तो हम वर्सोवा टू मढ़ जाती है। हार्डली 2 मिनट का ही डिफरेंस होता है ये साइड से लेके वो साइड जाने के लिए। आप एक और नाव देख सकते हो और अभी एक और छोटी सी नाव का भी ऑप्शन है। मतलब आपको या तो बड़ी नाव से जाना है तो आप बड़ी नाव से भी जा सकते हो और छोटी नाव से भी जा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं छोटी बोट से जाऊंगा वर्सोवा टू मढ़ एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि आगे का रास्ता क्या है। मैं मढ़ जेट्टी आया हूँ। अभी यहाँ से 2 ऑप्शन है, एक तो यहाँ से आप बस से जा सकते हो या तो शेयरिंग ऑटो से जा सकते हो। तो मैं अभी शेयरिंग ऑटो से जाऊंगा मढ़ मार्केट और वहाँ से मैं आपको बताऊंगा दरगाह का रास्ता कौन सी तरफ। तो गाइज अभी हम रिक्शा में बैठ चुके हैं और मुझे रिक्शा में मिला है आमीन और सादिक, तो ये दोनों का मेरे चैनल पे पहली बार स्वागत। तो अभी हम लोग साथ में ही जाने वाले हैं दरगाह पे, तो इंशाल्लाह ये लोग भी आपको वीडियो में दिखेंगे। अभी मढ़ मार्केट से उतरने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं दरिया पे। तो अगर आप वर्सोवा से आ रहे हो, अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, तो पहले अंधेरी आना, अंधेरी के बाद वर्सोवा में आना, वर्सोवा से मढ़ जेट्टी से मढ़ मार्केट और मढ़ मार्केट से किसी को भी पूछना कि दरगाह का रास्ता कौन सा है, आपको गाइड कर देंगे। तो अभी मैं ऑलमोस्ट दरिया पे पहुंच चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग नाव से दरगाह जाते हैं। सो अभी आप सब देख सकते हो यहाँ पर लाइन लगी है, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कितनी बड़ी लाइन लगी है। तरह लतीफ़ भाई हमको दिख चुके हैं। क्या बोलते हैं लतीफ़ भाई, कैसे? सो आप देख सकते हो लाइन, और ये रही हमारी फैमिली जो लाइन में खड़ी है और ये हमारा वीडियो बना रहे हैं और मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ। ये बेचारे लाइन में खड़े है, आप देख सकते हो। हम मिलते हैं वहाँ पर जाके। सो ये है वो दरगाह और अभी हम लोग नाव से जाने वाले हैं। आप देख सकते हो कुछ लोग आ रहे हैं और अभी कुछ लोग जा रहे हैं। सो ये देखो अभी फैमिली चढ़ रही है बोट में। ओ नसीम भाभी आ जाओ। सो आप देख सकते हो कि कितना रिस्क है
बैठने का, बट उतना ही डबल मजा है। ये है शाकिरा फुफी। बोट में बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हो बहुत हिल रही है नाव। हम लोग निकल चुके हैं, आप देख सकते हो फिर भी बहुत सारी रश है। आप ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है दरगाह जाने के लिए। अभी हमारी बोट शुरू हो चुकी है और अभी हम लोग निकल चुके हैं। देख सकते हो कि अभी सब लोग बैठ चुके हैं बोट में। छोटा सा फैन सब्सक्राइबर मुझे मिल चुका है, कैसा लग रहा है उजेपा? बहुत अच्छा लग रहा है। उज्जैनी बाबा का उड़ी पूरा गाइड आप भी आओ गाई, एक दिन गई गाई शाम तक आओ गाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाई। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं? आपके वीडियोस हम लोग मैंने आपका काला घोड़ा फेस्टिवल देखा था, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच उज्जैपा। आपको कैसा लगा बोट से आने के लिए? बहुत अच्छा लगा गाइस, बोट से आने का एक्सपीरियंस क्या गाइस, बहुत अच्छा। सो गाइस, जैसे उज्जैपा बोल रहा है बोट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग एक बार आना। अगर इस साल आने नहीं मिलेगा तो आप लोग अगले, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि ये उरुस में आने का एक फायदा ये है कि यहाँ पर रिलेटिव फ्रेंड्स सब मिलते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आदिल को इंट्रो करवाया था, रिजवान को इंट्रो करवाया, तो मेरे चैनल से इनका स्वागत है। और ये है रिजवान, रिजवान सोलकर, रिजवान सोलकर का भी एक चैनल है रिजवान सोलकर के नाम पे। तो सोलकर कॉलिंग सोलकर वंस अगेन गाइज, तो आप इनके चैनल पे भी जाना, इनके चैनल को एक्सप्लोर करना। ट्रैकिंग के वीडियोस, मोटो ब्लॉगिंग के वीडियोस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप जाना और सब्सक्राइब भी करना और बेल घंटी भी बजा देना। और जल्दी आप हम दोनों को भी एक ब्लॉग में देखोगे बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। बने गाइस, फिर से मेरी फैमिली यहाँ पे मिल चुके हैं और बहुत सारे फैमिली और फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, तो आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स को हाई बोल सकते हो। सो आज का क्या प्लान है फिर यहाँ पर? सो आप कमेंट में जरूर बताना नसीम भाभी कैसी लग रही है, मैच हो रहा है कि नहीं गॉगल। सो आप ये वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, हम लोग लास्ट टाइम के जैसे भी कोशिश करेंगे इस साल भी एंजॉय करें और आपको एंटरटेन करें। सो बाय बाय। क्या है यहाँ का फेमस समोसा? कैसे दिए एक प्लेट में? 20 का 5 है, तो एक काम करो 50 का बांध दो। चलो 50 का कितना आएगा? 50 का 12 पीस, 13 पीस दे दो। तो गाइज अभी हम लोग समोसा खाएंगे, सब फैमिली वाले मिले तो उनको थोड़ा समोसा खिलाता हूँ मैं। तो खाने में है दाल चावल वेज, और यहाँ पर खाने के लिए लाइन लगी हुई है क्योंकि ये जावेद है, तो जावेद का मेरे चैनल पे वेलकम है। तो अभी ये लोग खाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। अभी आप देख सकते हो दाल चावल है यहाँ पर, और ये है साकिब, मैंने साकिब को देखा ही नहीं था। हाय साकिब, तो मिलते हैं हम लोग आगे। सो गाइज ये है अराफत, ये है मेरे दामाद जी,
और ये है आसिफ, जैसे हमने बहुत बार आसिफ से मिले हुए रहेंगे हंटर स्पोर्ट्स पे। तो अभी मैं कब आऊँ आपके शॉप पे? तो मेरे लिए शॉप एनी टाइम है, बिकॉज मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स रुके हुए हैं कुछ नया प्रेजेंट देखने के लिए हंटर स्पोर्ट्स की तरफ से। सो हम जल्द ही मिलेंगे हंटर स्पोर्ट्स पे, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। सो गाइज, हम लास्ट टाइम मिले थे पेन की दरगाह में, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा रहेगा। तो अभी फिर से हम मिले हैं, बिकॉज आज का दिन है फैमिली डे और फ्रेंड्स डे। तो रेशमा और भाईजान का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है, और ये है मायनूर। तो शेयर करो, थैंक यू। और माशाल्लाह लग रही है मायनूर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी बेटी ने, भांजी ने कैसे बोला है आज का ये लाइन। लास्ट ईयर कोकन के वीडियो में मैंने जब गांव में गया था कोकन में, तो आपको गुफरान से मिलवाया था, तो आज गुफरान मुझे यहां पर मिला है मड़ के उरुस में। तो गुफरान, फिर से एक बार सैमी के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम श्योर गुफरान को जानते रहेंगे, और जो नहीं जानते हैं वो जानने के लिए गुफरान के चैनल पे आप एक बार विजिट करना। अगर आपको पसंद आएगा तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो वेलकम गुफरान, आप कुछ बोलना चाहते हो? बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई, आप लोगों ने देखे होंगे, अगर भाई के चैनल पर आप लोग जुड़े हो तो भाई बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को अच्छा अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं। तो भाई की बहुत मेहनत है, तो अगर आप लोग भाई के चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई के लिए सब्सक्राइब तो बनता है और शेयर भी बनता है। तो भाई के लिए आप लोगों का प्यार बरकरार रहना चाहिए। इस वीडियो का पार्ट वन यही एंड कर रहा हूँ, और पार्ट टू बहुत जल्द आने वाला है। हमने बहुत मज़ा किया पार्ट टू में, तो मेरे वीडियो में जुड़े रहना, पार्ट टू बहुत जल्द आने वाला है। और ये रही कुछ पार्ट टू की झलके आपके सामने।